एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। टुडे आवर टॉपिक इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसका बेसिक हम पढ़ चुके थे, आज हम इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक कर रहे हैं हम, चैप्टर सेकेंड है पॉलिनेशन। आप सभी को बता चुकी थी मैं, जहाँ पर हमारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचते हैं ना, क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम एंथर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं उसका स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होना, इसको हमने पॉलिनेशन कहा था। टू टाइप के होते हैं ये, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में भी हमने देखा था ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही गैमिट पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल, और उसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हमने ऑटोगैमी कहा था। और उसी प्लांट में अगर फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं ना, यहाँ पर एक ही प्लांट के अगर दो फ्लावर के बीच ये प्रोसेस हो रही है तो उसको हमने जिटेनोगैमी कहा था। ऑटोगैमी जहाँ पर हमारा एक ही फ्लावर के बीच होती है पूरी प्रोसेस, और जिटेनोगैमी एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच, प्लांट एक ही है तो उसको हम कहते हैं जिटेनोगैमी। फिर क्रॉस पोलिनेशन की बात की गई थी, उसमें हमने एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली मैंने आपको बताया था। फिर जो जूफिली होती है उसमें हमने फोर टाइप पढ़ लिए थे, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरोफिली और मेलेकोफिली। अब आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, आपको क्लियर होगा। यहाँ आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं ऑटोगैमी के, वीट, पी एंड राइस। उसके बाद हमारा आ रहा है होमोगैमी, एडोप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एडोप्टेशन कौन कौन से होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो एक तो हमको दिया गया है होमोगैमी और सेकेंड दिया गया है क्लिस्टोगैमी। देखिए क्या कह रहा है होमोगैमी में, होमोगैमी इज़ द कंडीशन इन विच फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। होमोगैमी किसमें पाया जाएगा, जहाँ पर हमारा बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल उन फ्लावर को कहा जाता है जिसमें दोनों ही गैमिट एक साथ प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। और यूनिसेक्सुअल उन फ्लावर को कहा जाता है जहाँ पर एक फ्लावर में केवल एक ही गैमिट प्रेजेंट होता है, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। एंटर इन स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम टू मेक सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल, है ना। आपको अच्छे से याद रखना है होमोगैमी क्या हो गई, होमोगैमी जहाँ पर हमारे स्टिग्मा और एंथर दोनों साथ साथ डेवलप हो रहे हैं, तो उनके अंदर उनका जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। और सेम टाइम पीरियड में अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो उनमें उसी समय जैसे मैच्योर हुए पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस एंथर और स्टिग्मा के साथ साथ मैच्योर होने के साथ हो रही है तो ऐसी प्रोसेस को होमोगैमी कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है मिराबिलिस जलापा, आइक्सोरा, सनफ्लावर। अंडर सच अ कंडीशन द स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर बाय द एजेंसी ऑफ विंड और इंसेक्ट। यहाँ पर कभी कभार हमारे विंड और इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, यहाँ एजेंसी की जरूरत लग सकती है, और उसमें कुछ इंसेक्ट या फिर जो हवा होती है उसके थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। तो सेम टाइम में हो रहा है एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन, उसको हमने होमोगैमी कहा है। अदर है क्लिस्टोगैमी, दे आर सम बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों में कंडीशन क्या रही, दोनों में ही बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की हमने, विच नेवर ओपन। जब हमारे कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं ना, ये प्रोसेस कब हो रही है, जब पूरा हमारा फ्लावर खिल गया है और उसका मेल और फीमेल गैमेट डेवलप हो गए एक साथ और फिर उसमें पॉलिनेशन हो रहा है। बट कभी कभी हमारे पोलन ग्रेन और स्टिग्मा तो मैच्योर हो चुके होते हैं बट फ्लावर ओपन नहीं हो पाता है, तो ऐसी प्रोसेस में पॉलिनेशन अगर हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमी। देर आर सम बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन, कभी कभी बाइसेक्सुअल फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल एंड समटाइम इनकॉन्स्पिकस एंड रिमेन क्लोज्ड। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन एक्टिवनेस उनके अंदर नहीं आ पाती जिसके कारण वो ओपन नहीं हो पाते हैं, क्लोज रहते हैं वो। द पोलन ग्रेन देयरफॉर में ओनली पोलिनेटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये कब होगा, सेम फ्लावर में होगा, उसी फ्लावर में होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेल और फीमेल गैमेट उसमें बन तो रहे हैं बट वो ओपन नहीं हो रहा है तो दूसरे फ्लावर पे तो जा नहीं सकता, तो उसी में सेल्फ पॉलिनेशन उसी फ्लावर में हो जाता है बंद में ही। तो अगर बंद में उसी सेम फ्लावर में ये प्रोसेस हो रही है तो ऐसी प्रोसेस को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है।
सच अ कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी एंड द फ्लावर आर कॉल्ड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहा जाता है। आप बस क्लिस्टोगेमस से याद रखें, बंद फ्लावर मतलब जिसकी कली ओपन नहीं हो रही है, मैच्योर तो हो गया है लेकिन उसकी कली ओपन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगेमस कहता है। और इनके अंदर में पोलिनेशन होगा तो उसको क्लिस्टोगेमी कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसमें बालसम जिसका साइंटिफिक नेम दिया गया है इम्पेंटियंस, और ग्राउंडनट जिसका साइंटिफिक नेम दिया गया है आर्किस हाइपोजिया। तो इसमें आप जो भी आपको इजीली याद हो जाए वो एक एग्जाम्पल आप अच्छे से लर्न कर लें। एडवांटेज दिए गए, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, अ फ्यू पोलन ग्रेन कैन पोलिनेटेड फ्लावर। क्या क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है ना, यहाँ पर जो हमारे बेनिफिट होंगे इस सेल्फ पोलिनेशन के, उसमें फर्स्ट दिया गया अ फ्यू पोलन ग्रेन कैन पोलिनेटेड फ्लावर। कुछ पोलन ग्रेन से हमारे फ्लावर को पोलिनेटेड कर देते हैं, क्योंकि सेम प्लांट में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। प्यूरिटी ऑफ द रेस इज़ मेंटेन, यहाँ पर रेस का मतलब है स्पीसीज, नई जो जाति बन रही है उसके बारे में यहाँ पर वर्ड दिया गया है रेस। तो हमारी जो स्पीसीज बनेगी नई उनमें प्योरिटी आएगी, प्योरिटी इसमें मेंटेन रहेगी, क्योंकि उसी सेम प्लांट में हो रहा है तो उसी के कैरेक्टर आगे ट्रांसफ़र होंगे, कोई नए कैरेक्टर इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्रॉस नहीं हुआ है ना, उसी फ्लावर में हो गया, उसी प्लांट में हो गया, तो उसी प्लांट में हुआ तो उसी के जो कैरेक्टर होंगे वो इन फ्लावर में दिखाई देंगे। सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन का कोई वेस्ट नहीं होता, उसी का उसमें जब हो जाता है पोलिनेशन तो पोलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते। बाकी अगर हम क्रॉस में देखेंगे तो क्रॉस में एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन ग्रेन को पहुंचना होता है, तो वहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के अंदर हमारा पोलिनेशन के फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसी प्लांट में हो रहा है तो उसमें सडनली कभी भी हो सकता है, और डिस्ट्रॉय होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं पोलन ग्रेन के, तो हमारा पोलिनेशन सक्सेसफुल रहता है इसमें। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर है स्मॉल लाइट वेटेड एंड फ्यूअर नंबर ऑफ सीड्स। सेल्फ पोलिनेशन से बनने वाले जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका वेट बहुत हल्का होता है और उसमें बहुत कम नंबर में सीड्स बनते हैं। यहाँ एडवांटेज मैंने आपको फोर पूरे ही समझा दिए हैं, आपको लर्न ओनली टू टू करने हैं जो आपको इजीली लर्न हो जाए। कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर प्रोजेनी। अगर कंटिन्यू वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है उस प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, वन या टू टाइम हुआ तब तो ठीक है, बट अगर कंटिन्यू होता जा रहा है तो जो प्रोजेनी बनेगी, प्रोजेनी का मतलब आगे आने वाली जनरेशन, तो आगे बनने वाली जनरेशन जो बनेगी वो वीक होगी। There are no chances of the production of new species in the variety of plant। दो अलग अलग प्लांट का अगर हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन में, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो नई स्पीसीज बनेगी उसमें दोनों के ही कैरेक्टर आएंगे, बट इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सेम प्लांट में हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन पढ़ रहे हैं हम, तो ये सेम प्लांट में हो रहा है, तो क्या कह रहा है, दे आर नो चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड वेराइटी ऑफ प्लांट। यहाँ नए प्लांट या नई स्पीसीज बनने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसी प्लांट के जो कैरेक्टर है वही आगे की सीड्स में, आगे की जनरेशन में शो होंगे। द चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज ऑल्सो रेड्यूस्ड। और हमें पता है कि इवोल्यूशन कब होगा, जब हमारे अंदर नए कैरेक्टर डेवलप होंगे उनकी स्टडी की जाएगी तो उसको हम इवोल्यूशन कह रहे हैं, बट यहाँ पर तो एक ही प्लांट के कैरेक्टर हर एक जनरेशन में आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हमारी इवोल्यूशन के चांसेस बहुत ही कम होंगे, इवोल्यूशन कम से कम देखा जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्रॉस पोलिनेशन मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पर हमारे एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक स्पीसीज सेम होना चाहिए ना, स्पीसीज अलग नहीं। अगर हम यहाँ पर रोज़ की बात कर रहे हैं, लोटस की बात कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि रोज़ और लोटस अलग अलग प्लांट में हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्पीसीज सेम होना चाहिए, प्लांट हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लाइक रोज़ है, एक प्लांट रोज़ का है तो दूसरा प्लांट भी रोज़ का ही होना चाहिए। स्पीसीज सेम होना चाहिए, प्लांट अलग अलग हो सकते हैं, तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में हमारा जो एडोप्टेशन होता है वो होता है लार्ज साइज़ फ्लावर की ज़रूरत होती है। जो कोरोला और पेरिंथ होता है वो कैसा होना चाहिए, ब्राइट कलर का होना चाहिए। अब कोरोला तो आपको बता दिया था मैंने, फ्लावर की जब हमने बात की थी, तो यहाँ
ये वाला है ना, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कोरोला, जिसमें एक यूनिट को हमने पेटल कहा है, और अगर हम सभी पत्तियों की बात करेंगे तो उसको कोरोला कहा था। ये कोरोला का जो नीचे का हिस्सा होता है यहाँ पर पाया जाता है पेरेंथ। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है वो उसी के लिए आया है, बेस पॉइंट हमारा फ्लावर का। ब्राइट कलर ऑफ पेरेंथ एंड कोरोला, कोरोला और पेरेंथ जो होंगे इसके अंदर उनका कलर ब्राइट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब दूसरे जैसे इंसेक्ट वगैरह जब कोरोला को देख के अट्रैक्ट होंगे तभी वो उसके पोलन ग्रेन को ईट करेंगे, और फिर उसी के थ्रू हमारा पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट तक पहुँचेगा। तो इनका ब्राइट होना ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ सेंट एंड स्मेल इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर स्मेल होना, फ्रेग्रेंस होना ज़रूरी है ताकि इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट हो। प्रेजेंस ऑफ नेक्टरी प्रोड्यूसिंग नेक्टर इन फ्लावर, है ना, नेक्टर का मीन्स होता है परागकण। इसके अंदर जो परागकण होते हैं वो फ्लावर के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि परागकणों को ही हमारे इंसेक्ट ईट करते हैं, और उसी के थ्रू पोलन ग्रेन उनके माउथ तक पहुंचता है, पोलन ग्रेन फिर दूसरे प्लांट तक पहुंचता है, पोलिनेशन होता है। प्रेजेंस ऑफ एडिबल सैप इन फ्लावर पार्ट, फ्लावर पार्ट में जूस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब परागकण वही परागकण काई में पाए जाएंगे जो जूस बन रहा है उसमें, तो यहाँ पर फ्लावर अगर जूसी होगा तो ही इंसेक्ट उसको ईट करेंगे। तो यहाँ पर एडिबल सेप का मतलब है फ्लावर के अंदर जो जूस पाया जा रहा है वो, तो जो इंसेक्ट खाते हैं उस टाइप का सेप उसके अंदर होना ज़रूरी है, जूस होना उसमें ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन भी खाने वाले होने चाहिए जो एडिबल हो। पोलन ग्रेन मींस ऐसे फ्लावर नहीं होना चाहिए जिनके पोलन ग्रेन को इंसेक्ट ईट नहीं कर पाए, एडिबल होंगे तभी वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर क्रॉस पोलिनेशन इन फ्लावर, एक स्पेशल मैकेनिज्म होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सेल्फ पोलिनेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ हमारा साथ साथ हो रहा था, एक ही बार में हो रहा था, और उसी फ्लावर उसी प्लांट में हो रहा था, बट यहाँ हमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचने की ज़रूरत है, तो स्पेशल मैकेनिज्म होना कंपलसरी है। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्थी एंड स्ट्रोंगर ऑफ स्प्रिंग, इसके अंदर जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, जो आगे की जनरेशन बनेगी वो हेल्थी होगी, स्ट्रोंग होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ सीड आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, इसमें जो सीड बनेंगे वो ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट विथ यूजफुल कैरेक्टर, इसमें हमें यूज़फुल कैरेक्टर भी दिखाई देंगे आगे की जनरेशन में, नई वेराइटी भी, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन हुआ है, दो प्लांट के कैरेक्टर एक नए बीज में हमें मिलेंगे, तो इसमें हमको नई वेराइटी भी दिखाई देगी। दिस मेथड इज़ यूज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट के इवोल्यूशन के लिए, प्लांट के इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेस बहुत ही इसेंशियल होती है। डिसएडवांटेज क्या कह रहा है, नुकसान क्या क्या है, द चांसेस ऑफ पोलिनेशन आर मिनिमम, कम से कम होता है ये, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचने में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बहुत कम होता है ये। अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन, पोलन ग्रेन की ज़्यादा जरूरत होती है। द प्योरिटी ऑफ प्लांट इज कम्प्लीटली एंडेड, प्लांट की जो प्योरिटी होती है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है इसमें, क्योंकि दो प्लांट के कैरेक्टर एक प्लांट में आते हैं तो हमको प्योरिटी नहीं मिलती। द प्लांट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी एंड फूड मटेरियल, एडोप्ट वेरियस डिवाइस टू ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन, प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड